बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हिना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, और बाज़ार से भी अच्छा पिज़्ज़ा हम घर में बनाएंगे। सॉफ्ट, बिल्कुल मॉइस्ट पिज़्ज़ा हम घर में बनाएंगे। बाहर का टेक्सचर हल्का सा क्रिस्पी रहेगा, अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा। तो आइए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हमने 1 किलो मैदा ले लिया है, फ्लोर। 1 टेबल स्पून हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, 1.5 टेबल स्पून। ये हमने शुगर ले लिए, 2 टेबल स्पून हमने लिए, और इसमें हम ईस्ट डाल देंगे। ये हमने 2 साशे ईस्ट के लिए हैं। ये हमारा गरम दूध है। गरम दूध के अंदर हम थोड़ी देर इसको हम मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, हमने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया है ताकि थोड़ा सा फर्मेंट हो जाए। जब तक हम इसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा हाफ डालेंगे हम इसके अंदर ऑयल। और ये जो है, ये हमारा फर्मेंट हो चुका है। ये हम इसके अंदर डाल देंगे सारा ईस्ट और शुगर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। और एकदम सॉफ्ट ही डो बना लेंगे, ना हार्ड बनाएंगे और ना ही ज़्यादा हम सॉफ्ट बनाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल रहेगी ताकि हमारा पिज़्ज़ा अच्छा बने और बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाए। पहले भी हम आपको पिज़्ज़ा बनाना बता चुके हैं, ये हम दूसरी बार पिज़्ज़ा बना रहे हैं। देखिए, अच्छे से हम घुल लेंगे। ये देखिए, जितना हमने ऑयल लिया था ये हमने पूरा ले लिया है, 1 कप के पूरा करीब। और इस डो को हम फिनिशिंग करके फिर साइड पे 2 घंटे के लिए रख देंगे हम। ये देखिए, हमने गूंद दिया है, अब इसको फर्मेंट होने के लिए 2 घंटे के लिए रखेंगे। मिलते हैं 2 घंटे के बाद। चलिए जी, अब हम बारबेक्यू टिक्का पिज़्ज़ा की टॉपिंग बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये हम 2 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ये हमने 2 बोनलेस के फिले ले लिए हैं, उनको क्यूब्स में हमने काट लिया है बारीक बारीक। थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर बाकी की इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। टेबलस्पून हमने चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून हमने सॉल्ट, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, और 1 टेबलस्पून हमने बारबेक्यू टिक्का मसाला हमने होममेड लिया है। जिंजर पाउडर डालेंगे, अच्छा जिंजर पाउडर डालेंगे, हॉट बारबेक्यू पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा हम गार्लिक पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे हम। अच्छे से इसको भून लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारी बोटियाँ गल जाएं। 1 टेबलस्पून हम रेड चिली सॉस डालेंगे, 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम सिरका डालेंगे, विनेगर। अब जब तक इसका पानी ड्राई हो जाता है, हमारी बोटियाँ भी अच्छे से गल जाएंगी, तो फिर हम आपको दिखाते हैं। चलिए, हमारी डो जो है अच्छे से देखें फर्मेंट हो चुकी है। ये देखिए कितने अच्छे से राइस हुई है। और इसके हम थोड़ा सा डो निकाल लेंगे। जैसे हम इसको बेल लेंगे, ऑयल लगा के हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करके अपनी ट्रे को ग्रीस कर लिया है। चलिए जी, देखिए हमने ऐसे बेल के फैला लिया अच्छे से। चलिए जी, ये देखिए हमने सॉस जो है अपनी हम लगा रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए हमारी ये मोज़रेला है और ये चैटर चीज़ है।
दोनों मोज़रेला और चेटर जो हैं इसके ऊपर हम लगा लेंगे, अच्छे से टॉपिंग कर लेंगे। जब हम इसकी क्रिस्प को तोड़ेंगे तो इसके अंदर हमारी को बहुत अच्छी सी लेयर मिलेगी चीज़ की। थोड़ी सी हम मोज़रेला डाल रहे हैं और ये जो हमारा बारवी टिक्का है रेडी हो चुका है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे इसकी टॉपिंग पे। थोड़ी सी हम कैप्सिकम डालेंगे, ये हमने बारीक बारीक काट ली है। थोड़ी सी हम अनियन डालेंगे और थोड़े से हम ऑलिव लगाएंगे। ऊपर से हम थोड़ी सी चीज़ और डालेंगे। देखिए थोड़ी सी चीज़ और डालते हैं हम। हमने अच्छे से लगा दिए और ऊपर से मिक्स हर्ब डाल देंगे हम। अभी हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे। ये देखिए हमारा रेडी हो चुका है। एक हमने ऐसा बनाया और एक हम बिल्कुल सीधा नॉर्मल वाला बनाएंगे। देखिए हमने बेक करने के लिए रख दिया है। चलिए जी, अब हमने ये एक फ्लैट पिज्जा बना लिया है, एक हमने फोल्डिंग वाला बनाया था और एक ये फ्लैट बना लिया है। तो अब इसको ओवन में रखते हैं 45 मिनट के लिए। चलिए जी, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों पिज्जे बनके रेडी हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से बने हैं। हमारा बारबेक्यू पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा रेडी है और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त बना है। इंशाल्लाह आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतजार करिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।